दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग, स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आ चुके हैं एपिसोड नंबर 18 को लेकर। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं की, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देना, भूल जाते हैं लोग। आई मीन अपने दोस्त लोग हैं, याद कराना तो अपना फर्ज बनता है। ये बढ़िया बढ़िया कमेंट करते हैं ना, कभी मजा आ जाता है। कुछ ही दोस्त हैं, कुछ ही सब्सक्राइबर्स हैं जो अच्छे दोस्त समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। वो अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, डेली मुझसे बात करते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है अपन को। सही बता रहा हूँ, भले ही सब लोग नहीं करते भाई, 10 लोग भी कमेंट करें ना, वो 10 लोग भी अच्छे हैं, मेरा फ्रेंड्स बनने लायक, बिल्कुल क्लोज फ्रेंड्स कह सकते हो वैसे। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस तरीके से बात करने के लिए, मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है टाइम पास कर कर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो एपिसोड की स्टार्टिंग वही लाइव स्ट्रीम से दिखाई जाती है, जहाँ उसने लाइव स्ट्रीम चालू कर देती है। यहाँ पर जो हाव का अपोनेंट होती है, लड़की है, हाव का अपोनेंट होती है, वो उसके इस गेम प्ले को देखकर कहने लगती है, अगर ये बंदा हैक इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो मुझे इस तरीके से बंदा नहीं मार सकता। अगर ये लेजिट प्रूफ कर दे कैमरा ऑन कर कर, तो मैं इस मॉनिटर को ऐसे खा जाऊंगी, पेट खराब हो जाएगा देख के। और तो और इस स्पोर्ट में कोई भी जेंडर नहीं देखा जाता, भले ही ये जो प्लेयर है वो एक लड़का ही क्यों ना हो, लेकिन जब तक मानी नहीं है कि ये लड़का है। लेकिन एक बात मैं कभी भी महसूस नहीं कर सकती, मतलब सहन कर सकती, अगर कोई बंदा चीटिंग कर रहा हो तो। कहते हैं इस लोड नहीं आना तो सीरियस चेहरा बना लिया है, अभी एक्सपोज कर देगी CBI, वो पंते झोड़। और तभी ये बताते हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग हैं वो लड़का होने के लिए प्रिटेंड करते हैं और लाइव स्ट्रीम पर पैसे कमाने के लिए, क्योंकि इसी दुनिया उल्टी है ना, अपनी दुनिया में लड़कियाँ ज़्यादा मशहूर होती हैं और यहाँ पर लड़के, समझ रहे हो ना सिचुएशन को। ये सब सुनने के बाद जो हाव होता है वो कहने लगता है, क्या मैं और चीटिंग, क्या मुझे सच में यहाँ पर चीट करने की जरूरत है तुमसे, आखिरकार देखो तो सही कौन किसको कमज़ोर समझने में लगा हुआ है। ये सब सुनने के बाद हाव की सटक रही होती है, मुझे चीटर बोल रहे हो, शर्म नहीं आती, खुद का गेम प्ले तो बिल्कुल लल्लो जैसा है। तभी वहाँ पर जो कमेंट्स है वो भर भर के आ रही होती हैं, तभी वो फिर से चैलेंज कर देती है और उसे कहने लगती है, मैं अभी तक सेटिस्फाई नहीं हूँ सोलो खेलने के लिए, अगर तुम फिर से खेलना चाहते हो तो जल्दी से आ जाओ, फिर से रूम बनाते हैं, रिक्वेस्ट करने लगती है वो। लेकिन जो हाव होता है वो कहते हैं सॉलिड वाला होता है और कहने लगता है, क्या तुम अकेला मुझे हराना चाहती हो, अगर हिम्मत है ना तो साथ में लेकर आओ टीम मेंबर्स को, मैं तुम्हारे साथ खोल और ज़्यादा सोलो नहीं खेलना चाहता तुम जैसे नल्लों के साथ। तभी ये सुनने के बाद जो चैट होती है कहीं बब्बर बन जाता है चैट में, तो सभी लोग कह लगते हैं जरा इस बंदे को देखते ही कितना ज़्यादा एरोगेंट हो चुका है, और अब मैं इसे और ज़्यादा इस तरीके से नहीं देख सकते, कमेंट में लिखकर आ रहा होता है। और इस फिश गॉड को, इस लड़की को निकनेम है फिश गॉड, सभी लोग कमेंट करके कहने लगते हैं कि इस बंदे को अच्छा सबक सिखाना, अभी अभी इस बंदे ने कहा है, यानी कि हाव ने कहा है इस बंदे कमेंट में लिख के आ रहा है, ये कह रहा है कि 1v3 करना चाहता है हमारे साथ, जरा देखो तो इसकी हिम्मत को, वो भी नेशनल प्लेयर को, इस नेशनल सर्वर पर आकर यहाँ पर बब्बर मचाने में लगा हुआ है, इसको अभी सबक सिखाना पड़ेगा फिश गॉड, और जल्द जल्द से फोर्स करने लगते हैं। और तभी फिश गॉड लड़की होती है वो कहीं एक्साइटेड हो जाती है और उससे कहने लगती है, मैं भी देखना चाहती हूँ आखिरकार ये कितना ज़्यादा पावरफुल है, और कहते हैं डेवल वाली स्माइल मारती है। और यहाँ पर दोनों का गेम स्टार्ट होने ही वाला है, लिन वर्सेस फिश गॉड। और लिन के जो हाथ होते हैं कहीं फास्ट चल रहे होते हैं माउस के साथ, और भाई कीबोर्ड तो ऐसे दबा रहा है जैसे बच्चों का खेल हो। और उसने सारे के सारे दुश्मनों को हाव ने बिना किसी परेशानी के हरा दिया होता है, और नोटिफिकेशन आ जाता है कि तुम इस गेम को जीत चुके हो। और भाई साहब ये सब देखने के बाद, हारने के बाद, जो फिश गॉड होती है उसका मुंह सन्नाटे से भर जाता है और उसके मुंह से शब्द भी ना निकलते। और जो चैट होती है वो फिर से बब्बर मचाना चालू कर देती है और कहने लगता है फिश गॉड का जो अपोनेंट है वो वाकई में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और तभी कुछ लोग कहने लगते हैं इस तरीके से यहाँ पर मत बैठो, जाकर उसको रिपोर्ट करो। तभी एक बंदा आता है, वो कहने लगता है लेकिन अभी अभी मैंने नोटिस किया था इसका जो गेम प्ले वो वाकई में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। और एक बंदा कमेंट करता है, जब हमारे फिश गॉड को इन्वाइट किया गया था प्रोफेशनली गेम्स खेलने के लिए अपोनेंट्स के खिलाफ, तभी इसका गेम तो वाकई में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल था। तभी जो फिश गॉड होती है वो एकदम ट्रिक अपनाती है, उससे कहने लगती है ये सभी लोग व्यूअर्स, तुम लोग उस बंदे के पास मत जाना उस पर अटैक करने के लिए, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है हमारे इमेज के लिए, शायद ऐसा हो सकता है कि ये जो लड़का है यहाँ पर गेम खेलने के लिए आ चुका है लेकिन चीटिंग करने की जो सीरियसनेस है वो अभी तक जानता नहीं है इस बारे में। तभी हाव गेम खेलने के बाद कहने लगता है मेरी जो अपोनेंट साइड है वो वाकई में बहुत ज़्यादा औसम है, और उसकी नेक भी दुखने लगती है गर्दन। तभी अचानक से वो किसी चीज़ को देखता है और सरप्राइज होता है, और उसकी चैट में तो कहीं बब्बर मच गया होता है और काफ़ी ज़्यादा लोग उसकी लाइव स्ट्रीम देखने के लिए आ गए होते हैं। ये देखकर वो कहीं सरप्राइज होता है और कहने लगता है आखिरकार इतने ज़्यादा लोग मेरी लाइव ब्रॉडकास्ट पर कर क्या रहे हैं अचानक से, और ये लोग आए कहाँ से हैं, और कमेंट कर कर लिख कर बोल रहे हो सभी लोग जरा इस बंदे को तो देखो, अपना चेहरा दिखाने में इतना ज़्यादा शर्म दिखा रहा है, तुम चीटिंग करने के लिए डरते नहीं हो भगवान से, अगर तुमने आज अपना चेहरा नहीं दिखाया तो सोचना भी नहीं मशहूर होने के बारे में, चीटिंग करने के बाद तुम्हारे मुँह से आवाज़ भी नहीं निकल रही, जरा इस लड़की को तो देखो बॉय की आईडी से खेलने में लगी हुई है, ऐसा लोग कमेंट कर रहे हैं, इनको पता नहीं है, जरा देखो तो सही कितने ज़्यादा हरामी, उल्टा होता है ना वैसा ही कुछ सीन है। और ये सब सुनने के बाद तो कहते हैं सरप्राइज होता है और कहने लगता है आखिरकार ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, मैं चीटिंग कर रहा हूँ और मैं लड़की हूँ कैसे। और तभी वो माइक पर बोल पड़ता है, मैं सब सभी को एक बात बताना चाहता हूँ, मैं लड़की नहीं हूँ, मैं एक लड़का हूँ,
और भाई चैट में बब्बर मच जाता है। इतने सारे सब्सक्राइबर देखकर वो मतलब लोग देखकर अपनी लाइव ब्रॉडकास्ट में बहुत ज़्यादा शौक तो होते ही है और कहने लगता है आखिरकार तुम लोगों ने मेरा जो स्टूडियो वो ढूंढा कैसे और मुझे यहाँ पर हैंगअप करने की भी जरूरत नहीं है। अगर मुझे ये बात नहीं पची तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा और सारा का सारा जो गेम है वो अपने बेयर हैंड से खेलूँगा, तुम्हें दिक्कत वाली बात नहीं और कहने लगता है। अगर ऐसी बात है कि तुम समझते हो कि मैं चीटर हूँ फलाना ढिमकाना उल्टी सीधी मुझे चैट में सुनाने में लगे हो तो मैं जो गेम खेल रहा हूँ उसको मैं लाइव करके दिखाता हूँ, आई मीन कैमरा से तुम्हें मेरे हैंड दिखाऊंगा कि मैं चीटिंग कर रहा हूँ या मैं रियल खेल रहा हूँ। तभी ये सुनते इतने भी कमेंट में लोग होते हैं वो कमेंट करना चालू कर देते हैं और कह रखते हैं अगर ऐसी बात है तो जो देखते हैं तुम्हारा गेम प्ले अब जो फिश गॉड है उन्होंने तुम्हारी लाइव स्ट्रीम ब्रॉडकास्ट रूम पहले से खोल के रखा हुआ है। जरा देखो तो सही इस प्रोस्टिट्यूट को जो कि इतना ज़्यादा ट्रैफिक अपने साइट पर बुला रहा है अपने रूम में। प्रोस्टिट्यूट समझ गए होगे ना क्या कहना चाहता है, उल्टा सीन हो रखा है ना तो उल्टा ही समझ लो। और सभी लोग बुरा भला कह रहे होते हैं अपने भैया को, हाँ भैया को, और सभी लोग हाथ दिखाने के लिए बोल रहे होते हैं जब खेलते समय लाइव स्ट्रीम पर। और तभी उसकी जो वैल्यू होती है उसके जो व्यूअर्स होते हैं वो 1.2 से C3.7 तक पहुंच जाते हैं तुरंत बस एक सेकंड के अंदर, कभी मशहूर हो गया ये तो थोड़ी देर में। और तभी ये हाँ होता है वो अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट फिश गॉड को भेज देता है और उससे कहने लगता है अब जबकि तुमने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है तो चलो देखते हैं किस में है कितना है दम। और हमें बताता है कि मेरी लाइव स्ट्रीम का पहले दिन ही मेरी जो लाइव स्ट्रीम रूम है वो पहले ही धमाका हो चुका है, इसके अंदर तो बम पड़ने लगे हुए हैं और इतनी ज़्यादा मशहूर हो गई सिर्फ पहले ही दिन में, तो यहाँ पर मेरे लिए कहने के लिए कुछ नहीं बचा हुआ है। तभी उसका जो कैमरा एंगल होता है वो अपने हाथों पर सेट कर लेता है और कहने लगता है फिश गॉड तुम भी देख रहे हो ना मेरी लाइव ब्रॉडकास्ट को, तो मेरा जो ऑपरेशन है वो तो आप देख सकते हो कि मैं किस तरीके से ऑपरेट करता हूँ अपने कीबोर्ड और माउस को। और जैसे ही जो चालू करता है ना अपने कीबोर्ड को दबाना तो जो फिश गॉड होती है लड़की है फिश गॉड होती है मैं कहता हूँ लट्टी हो जाती है इस पर और कहने लगती है जरा इसके हाथ तो देखो ये कितने ज़्यादा प्रिटी है और कितने ज़्यादा क्यूट है, क्या मैंने सच में यहाँ पर लाइन लगा रखी थी इस क्यूट ब्रदर को देखने के लिए, लेकिन मेरी किस्मत तो वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छी है मैंने तो अपने इसे फ्रेंड लिस्ट में जोड़ लिया है। कहता है सीन उल्टा हो गया यहाँ तो। और भाई इसके इतने ज़्यादा मुलायम और कोमल हाथ देखकर जो हमारे व्यूअर ठरकी व्यूअर्स है ना ऐसा लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स यहाँ पहुँच गए देखने के लिए सेम टू सेम, भाई तो मुझे ऐसी याद आता है इनकी, लेकिन है सारी की सारी लड़कियाँ और अपने पास सारे लड़के हैं ठीक है याद रखना इस बात को। और सभी लोग देख के कभी सरप्राइज होते हैं और कहने लगते हैं जरा इसके हाथ को देखो कितनी ज़्यादा पिटी है और फलाना ढमकाना उल्टा सीधा कह रहे होते हैं और उस बात को एग्री इस बात को लेकर एग्री हो जाता है कि ये बंदा लड़का है। और तभी हाँ कहने लगता है हमारा जो सेकंड गेम है वो स्टार्ट हो चुका है तो प्लीज़ ध्यान से देखना इस बार। तो सबसे पहले मैं जो बैरेज है वो बंद कर देता हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्लो है। तभी वो अपना गेम खेल ही रहा होता है तभी नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है मल्टी कंपनी पर और ये वहाँ कंपनी की CEO है बॉस है उस कंपनी की जिस कंपनी में जो स्ट्रीम करने में लगा हुआ जैसे एप्लीकेशन पर अभी, और वो लड़की ये सब कुछ देख रही होती है। खैर लड़के होते हैं यहाँ पर दुनिया में बॉस पर यहाँ होती हैं लड़कियाँ लेकिन मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ दुनिया उल्टी है तो समझ लो जो इनकी इन्फ्लुएंस है कुछ ज़्यादा ही है। ये देखती है काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है और देखती है कि इसके जो व्यूअर्स हैं वो 107K पहुँच चुके 107K और इतनी ज़्यादा स्ट्रीम इतनी ज़्यादा पॉपुलरिटी देखने के बाद ये लड़की कहने लगती है इस बंदे को तो देखो इसकी लाइव ब्रॉडकास्ट देखो कितने सारे बंदे हैं, अगर इसने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया तो ये हमारी कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा और हमारे लिए पैसा देने वाली गाय बन जाएगी, समझ गए कैश काव बन जाएगी कैश काव। और भाई यहाँ पर एंट्री होती है नए गुब्बारों की तो अब कमेंट करके जरूर बताना ये गुब्बारे आप सभी को कैसे लग रहे हैं, मजाक कर रहा था साले सीरियस मत ले लेना सभी के सभी लोग साले कमेंट करके बोले लगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही, इस एपिसोड में मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय गाइस। तो जो भी सब्सक्राइब कर रखा है ना ऑल पर सेट कर लेना बेल आइकन को क्योंकि नए नए गुब्बारे देखने को मिलेंगे अभी बहुत सारे, आगे बहुत मजा आने वाला है सीरीज में, अगर नहीं किया ना सब्सक्राइब तो भाई पछताओगे आगे चलकर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आज इतना ही, बाय बाय, सी यू नारा, सी यू लेटर, साइनिंग आउट।